मेरा बस इतना ही गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करने लगा है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करती है कि नफरत करते करते वह सनातन को मिटाने पर तुल गया है। उक्त बातें कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रविवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता और बार बार बयानबाजी की शिकायतों के चलते कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी का नौकर नहीं था। दूसरी बात, मैंने नौकरी भी नहीं मांगी थी। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, राजीव गांधी जी से लेकर आज तक मैं कांग्रेस की मूल विचारधारा के साथ रहा। और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो सर्वधर्म संभव है। कांग्रेस की मूल विचारधारा की आत्मा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इन बातों के साथ साथ आगे कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ाकर 14 वर्ष का कर दिया जाए। और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है? क्या श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्कि धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था, उसका परिणाम यह हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए।